एनके हेलो एवरीवन, एनके शर्मा ट्यूटोरियल वेलकम्स यू। और हमने स्टार्ट किया था और लेटर राइटिंग का जो आपका सेक्शन है इंटीग्रेट वाला उसको, और आज हम कर रहे हैं ऑफिशियल लेटर। पिछला जो हमारा वीडियो है उसमें हमने किया था बिजनेस लेटर को, तो कुछ पॉइंट्स जो है बिजनेस लेटर के रिगार्डिंग रह गए हैं, तो देख लीजिए एक बार। टोन जो होनी चाहिए बिजनेस लेटर की, टोन एंड स्टाइल ऑफ द बिजनेस लेटर शुड बी फ्रेंडली। तो फ्रेंडली जो आपका है टोन एंड स्टाइल में लिखा जाना चाहिए। मतलब हालांकि कुछ केसेज होते हैं इनके हिसाब की पेमेंट नहीं हुई है, देन आपको थोड़ा सा जिस शार्प लैंग्वेज या फिर एंगर वाली लैंग्वेज जो है लिखनी पड़ती है, लेकिन अब बातें मतलब वो इस तरह से होनी चाहिए कि ये हर्टिंग ना हो। तो बेसिकली क्वेश्चन यही बनेगा हमारा, क्योंकि हमें लिखना नहीं है, दैट्स वाई। तो आपका फ्रेंडली लैंग्वेज होनी चाहिए और यूज वी इंस्टेड ऑफ आई। तो बिजनेस लेटर जितने भी होते हैं उनमें हमारा वी यूज किया जाना चाहिए, आई नहीं। सपोज आप लिख रहे हैं कि हमें ऑर्डर करना है, तो वी वांट टू ऑर्डर, नॉट कि आई वांट टू ऑर्डर दीज आइटम्स। और अब नेक्स्ट आता है आपका ऑफिशियल लेटर्स। तो ऑफिशियल लेटर में कौन से लेटर्स शामिल है एक बार देख लेते हैं। डेमी ऑफिशियल लेटर, सबसे पहले हमने ऑफिशियल लेटर में पढ़ा डेमी ऑफिशियल लेटर, जिसको कि DO भी बोला जाता है। क्वेश्चन आपका आ सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DO देन डेमी ऑफिशियल। डेमी ऑफिशियल क्या होते हैं एक्चुअली, ये ऑफिशियल नहीं होते, पर्सनल लेटर। एक लेटर ऑफिसर जो है दूसरे ऑफिसर को लेटर लिख रहा है, और बेसिकली ऑफिस के वर्क के लिए लिख रहा है, लेकिन ये किसी जैसे आप ऑर्डर के जैसे नहीं होता। सेम जो रैंक के ऑफिसर होते हैं एक दूसरे के साथ जो लेटर लिख के और चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ डेमी ऑफिशियल। तो मतलब ये है आपका कि जो लेटर लिखने वाला है एंड रिसीवर जो होगा वो सेम रैंक के होते हैं। तो लैंग्वेज जो है इसकी ऑब्वियसली कर्टियस होगी। हमने अभी पढ़ा कि बिजनेस लेटर में हम वी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ आई, लेकिन जो DO है यानी कि डेमी ऑफिशियल लेटर है, ये आपका सबसे पहले तो सिंगुलर में ड्राफ्ट किया जाता है, यानी कि आई में लिखा जाता है, वी के बजाय आई एम डिजायर टू से, इस तरह से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। यहाँ पर आई यूज किया जाएगा ना कि वी। दूसरा जो है साइन किया जाता है ऑफिसर द्वारा, जो ऑफिसर लिखने वाला है वो साइन करता है, लेकिन विदाउट डेसिग्नेशन, अपना जो है पोस्ट अपनी ओहदा जो है वो मेंशन नहीं करता। नंबर टू भी आता है यहाँ पर ऑफिशियल लेटर्स। तो ऑफिशियल लेटर कौन से होते हैं हम पिछले में भी डिस्कस कर चुके थे। ऑफिशियल लेटर यानी कि एक ऑफिस में किसी भी काम के रिगार्डिंग जब हम लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे लाउड स्पीकर का इशू है, जैसे आपके एरिया में या डिपो का, जैसे इनकेस आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है प्रॉपर नहीं है, तो बहुत सारे इस तरह के लेटर्स हो सकते हैं। नंबर थ्री जो है ऑफिशियल सर्कुलर्स। तो सर्कुलर्स हमने पिछले में भी पढ़ा था, ऑफिशियल सर्कुलर्स आप समझ ही गए होंगे, बेसिकली एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाने वाले सर्कुलर। इनकेस टाइम चेंज हो रहा है, सोचिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या एक ऑफिसर जो है अपने सबऑर्डिनेट जो होते हैं उसके अंडर जो काम करने वाले हैं उनको जब एक लेटर लिख के सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है, दैट इज ऑफिशियल सर्कुलर। इसके अलावा नेक्स्ट आता है मेमोरेंडम, ठीक है। और मेमोरेंडम क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में, सपोज एक ऑफिसर ने ऑर्डर जारी किया, देन वो अपने सारे के सारे जो जूनियर हैं उनको उसके बारे में बताता है। तो एक बार इसका देख लेते हैं, इसमें आपका स्ट्रक्चर क्या रहता है मेमोरेंडम और सर्कुलर्स में। सर्कुलर जो है हमने पहले भी देखा, पर जब हम बिजनेस लेटर कर रहे थे तो उसमें बताया था मैंने, और मेमोरेंडम में भी सेम ही चलता है। सबसे पहले रिसीवर का एड्रेस आएगा, फिर सेंडर का एड्रेस आएगा, देन डेट आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इट्स प्रिंटेड ऑन द टॉप। तो मोस्टली जो आपके मेमोरेंडम होते हैं, सर्कुलर होते हैं, वो एक प्रिंटेड लेटर हेड पे होते हैं, तो लेटर हेड के बाहर जो है आपका सब प्रिंटेड होता है। और इफ कॉपीज आर सेंट एन इंडिकेशन इज गिवन एट द बॉटम। अगर कॉपी सेंड की जाती है, मान लो ऑर्डर है और अपर
मतलब गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ की ओर से ऑर्डर आया है, एक ऑफिसर अगर अपने सारे ऑफिसर सारे के सारे स्टाफ को उसके बारे में बता रहा है तो उसकी कॉपी भी इसके साथ अगर लगाई जा रही है तो हमें इसके में मेंशन करना होता है ये मतलब किसके रिगार्डिंग है और इसके कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए हुए हैं, तो ये भी मेमोरेंडम का एक पार्ट होता है। फ्रेंड्स अब देखिए इम्पोर्टेंट है सर्कुलर और मेमोरेंडम जो होते हैं डज नॉट हैव सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन, तो ना तो आपका सैल्यूटेशन होता है मतलब डियर सर रिस्पेक्टेड सर ऑल दिस थिंग्स हम नहीं लिखते हैं सर्कुलर और मेमोरेंडम में, और दूसरा सब्सक्रिप्शन योर्स जैसे फेथफुली सिंसियरली ये चीज़ें भी इसमें नहीं मेंशन की जाती हैं। और जहाँ तक आप बॉडी ऑफ द ऑफिशियल लेटर, तो एक बार बॉडी से दिखाने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी, ये हमने लिखा हुआ है फॉर्मेट बिजनेस लेटर का, तो बिजनेस लेटर का जो फॉर्मेट है उससे फॉर्मेट से थोड़ा सा अलग होता है आपका ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट। यहाँ पर सेंडर का एड्रेस है डेट है, लेकिन ऑफिशियल लेटर जो होते हैं उसमें रेफरेंस नंबर नहीं दिया जाता, ध्यान से सुनिए, और रेफरेंस नंबर जो होता है बिजनेस लेटर में इंक्लूड होता है लेकिन ऑफिशियल लेटर जो है उसमें रेफरेंस नंबर नहीं लिखते। रिसीवर का एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद सैल्यूटेशन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो रेफरेंस नंबर है सिर्फ आपका किसके लिए ये सॉरी बिजनेस लेटर के लिए हाँ, और ऑफिशियल लेटर में ये नहीं लिखेंगे। अब जो ये वाला पार्ट है बॉडी ऑफ द लेटर, बिजनेस लेटर में एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं चलता है, लेकिन जो आपका लेटर होता है इन केस अगर आपका लेटर ऑफिशियल लेटर है देन जस्ट फॉर अ मिनट सॉरी सॉरी फॉर योर अनकन्वीनियंस बट वेट जस्ट फॉर अ मिनट। ओके या देन जो आपका ऑफिशियल लेटर होता है उसमें बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आपको किसी ऑफिस में किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग अगर आप लिख रहे हो तो आपको फर्स्ट सबसे पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आपका लेटर जो है किसके रिगार्डिंग है, आप क्यों लिख रहे हैं लेटर एंड बेसिकली आपकी प्रॉब्लम क्या है। इनकेस एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि हमारे एरिया में जो है इतने दिन से इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, इतने घंटे आती है उसके बाद कट हो जाती है, और ये सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन में लिखनी पड़ेगी। देन है एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन मीन्स उस प्रॉब्लम की वजह से क्या सिचुएशन हो गई है, मतलब इन केस इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है देन हम डिस्क्राइब करते हैं कि समर का सीज़न है एंड रात को भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, गर्मी में बुरा हाल है, ऑल दीज थिंग्स जो हमारी प्रॉब्लम उस जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्या क्या हमें फेस करना पड़ रहा है। देन थर्ड पार्ट होता है रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन मतलब आपका बेसिकली उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप क्या सुझाव दे रहे हो, आपके पास सॉल्यूशन क्या है उस चीज़ का, दैट इज इन केस इलेक्ट्रिसिटी का जो हमने एग्जांपल लिया है वहाँ पर अगर आप मेंशन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है देन आप बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है उनका उनका नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर बढ़ा दिया जाए या फिर आवर्स डिसाइड किए जाए, कुछ भी मतलब आप क्या सोचते हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, दैट इज आपका रिकमेंडेशन। तो बॉडी ऑफ द लेटर जो होती है ऑफिशियल लेटर, और ये आपका ना लेटर टू एडिटर में भी फॉलो करेंगे पैटर्न, इंफॉर्मेशन आएगी देन एक्सपोजिशन आएगी और रिकमेंडेशन आएगी। एक्सपोजिशन जो होगा आपका बेसिकली हमने अभी देखा कि सेंटर वाला पार्ट है और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम से रिगार्डिंग क्या क्या हमें फेस करना पड़ा है वो सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है। एंड आगे आपका आता है नॉट के सॉरी ये हम कर चुके हैं, तो ऑफिशियल लेटर एंड बिजनेस लेटर जो होते हैं उनकी लैंग्वेज इजी लैंग्वेज होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड जो है ऑब्जेक्टिव और लूसिड स्टाइल होना चाहिए, फैक्ट बहुत सारे लिखे जाने चाहिए और इधर उधर की बातें हम नहीं लिखेंगे, नो इमोशनल अपील। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि ऑफिशियल लेटर है बिजनेस लेटर है या फॉर्मल लेटर जो है उसके बारे में उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज हो, लूसिड स्टाइल होना चाहिए, फैक्ट लिखने चाहिए,
इमोशनल थिंग्स हमें नहीं डिस्क्राइब करनी है क्योंकि हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, वो बंदा जो हमारे लिए अननोन है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो हमें नहीं पता उसका नेचर कैसा है। दैट्स वाई नो इमोशनल अपील, प्लेन एंड डायरेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल सीधे तौर पर डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखी जानी चाहिए, और कर्टियस लैंग्वेज होना चाहिए। कर्टियस मीन सभ्य, काफ़ी मतलब आप भारी भरकम तो नहीं, लैंग्वेज इजी हो लेकिन रिस्पेक्टफुल जो है लैंग्वेज आप यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने किया आपका ऑफिशियल लेटर, एंड उससे पहले वाली वीडियो जो है वो है आपकी बेसिकली बिजनेस लेटर के रिगार्डिंग, जॉब एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशंस आई डोंट थिंक कि हमें करने की ज़रूरत है, बहुत ईजी चीज़ें होती हैं। जॉब एप्लीकेशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद फॉर्मल लेटर थोड़ा डिस्कस करेंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी जस्ट इसके बाद आ रही है आपकी क्वेश्चन आंसर पे वीडियो, तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स आपसे डिस्कस करनी थी, आई थिंक पोइट्री से रिलेटेड जो मैटर है काफ़ी सारा अवेलेबल हो रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट देम। तो जस्ट मुझे कमेंट में बताइए, क्या हम पोइट्री सेक्शन को ही कंटिन्यू करें और इसके, या फिर हम जैसे हमारा प्रोज एंड ड्रामा और नॉवेल्स वगैरह हैं उस पर फोकस करें। और इसके अलावा मुझे आपसे जानना नहीं है, एक्चुअली बताना है, जब आप पोइट्री पढ़ रहे हैं तो पोइम आपने पढ़ी, तो पोइम के जो वर्डली मीनिंग है उसके अलावा जो सिम्बोलाइज मीनिंग था उस पर भी फोकस कीजिएगा, थीम जो होता है उस पर फोकस कीजिएगा, एंड स्टार्टिंग एंड लास्ट लाइनें जो होती हैं वो भी दे के पूछा जा सकता है कि कौन सी पोइम है। और इसके अलावा जो है राइमिंग स्कीम जो होती है, फिगर एंड स्पीच जो है, बाकी इन सारी चीज़ों पर भी आप अगर एक पोइम पढ़ रहे हैं तो इस पर फोकस कीजिएगा। 6 मई जो है आपकी टेंटेटिव डेट है, हालांकि चांसेस कम है इस डेट को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाने के, क्यों, बट फिर भी हमें प्रिपेयर रहना है। आप मतलब अपना जो टाइम टेबल है, अपना शेड्यूल जो है, इस तरह से सेट कीजिए कि आप एटलीस्ट इतने टाइम में आप सिलेबस कवर कर पाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, डू हार्ड वर्क एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।